ये हो गया है हमारा एस्ट्रोनॉट रेडी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ना मैं आई हूँ मेरी बहन को कॉलेज छोड़ने के लिए, तो थोड़ी सी सैड भी थी इसके लिए। अभी हॉस्टल में रहेगी काफ़ी दिन तक, बीच बीच में आना जाना होगा। तो बस आज हम उसको छोड़ के और फिर वापस घर आएंगे। वैसे कॉलेज का जो नज़ारा था बहुत ही अच्छा था, एकदम बहुत अच्छा व्यू आप देख ही सकते हैं, और सनसेट का टाइम था तो और भी अच्छा लग रहा था। खोल दो ना, सही मासी को बाया करेगा। हॉस्टल में छोड़ के आने के बाद मम्मी लोग कैसे होते हैं ना, रोते हैं। वैसे मैं भी थोड़ा सा रोई थी, लेकिन मम्मी तो ज़्यादा ही, मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी काफ़ी रोई थी। भुवनेश्वर में हमें चिब्बा है ना, भुवनेश्वर चिब्बा देख कितनी लाइट लगी थी, देख देख ना शाम देखो ना कितनी रेड रेड देखा। मासी को बाय करते, मासी आना पड़े। बाय बाय मासी, बाय बाय, बाय बाय चन्नी। तो वापस आते वक्त मैं मिली अपने भाई से, वो एक लॉलीपॉप लाया था कुछ, और ऋषि उसको देख के डर रहा था बहुत। और हम आए थे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट, हमने सोचा कि थोड़ा बहुत आज चाइनीज़ खा लिया जाए। तो हम जिस जगह आए थे वो उसी चीज़ के लिए ही थोड़ा सा फेमस भी है। और यहाँ मैं ऋषि को दिखा रही थी, बहुत सारे टाइप के फिश थे। और ये है नेक्स्ट डे इवनिंग की क्लिप है, जहाँ पे मैं बहुत सारे जो मेरा जो पैकेट से पार्सल जो आया था वो सब मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। इसमें सिर्फ मेरे और रिशु के ही सामान है, और रिशु के लिए कुछ टी शर्ट्स मैंने मंगाए थे, वही सब अनबॉक्स हो रहा है। और यहाँ पे मैंने रिशु और मेरे लिए ना सेम टाइप का, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी कल डाला था, मैंने दो तीन दिन पहले डाला था। तो वहाँ पे कैप्टन अमेरिका के सेम टी शर्ट में हमने फोटो डाले थे, तो वो भी है इसमें। रिशु को जो एवेंजर्स है ना, उसको बहुत पसंद है, वैसे सारे बच्चों को ही पसंद होते हैं, उसमें से उसको स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने वैसे ही शूज़ भी मंगाए थे उस कैरेक्टर के, लेकिन उसको फिट नहीं आया अच्छे से, तो मैं इसको रिटर्न करने के लिए रख देती हूँ।
और नेक्स्ट डे फिर से, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मैं और मम्मी CSD कैंटीन गए थे, आर्मी वाला जो कैंटीन होता है, तो ये वहाँ की छोटी सी क्लिप है। क्या खा रहे हो तुम लोग? मैगी और एग। एग नूडल्स। देखते हो कौन फर्स्ट होता है। ये गोरा सोच है। ठीक है ठीक है, ठंडा आई जाओ खाए बोल ना। क्या खा रहे हो तुम? Hey everyone, good morning. क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और मैं अपना सुबह का सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ, बस भगवान की पूजा बाकी है, वो भी करूँगी अभी। आज है सैटरडे, आज हॉलीडे है मेरे हस्बैंड के भी, लेकिन आज मैं सुबह सुबह क्यों उठी हूँ, क्योंकि रिशु का है एनुअल कॉम्पिटिशन है, सिर्फ एनुअल डे नहीं है, तो आज है उसका फैंसी ड्रेस और राइम्स कॉम्पिटिशन भी है, तो राइम्स तो उसको अपने आप बोलना है, बट फैंसी ड्रेस के लिए मैंने क्या प्रिपेयर किया है आप भी देख लीजिए, ताकि आपको भी अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, यह एस्ट्रोनॉट की ड्रेस है और मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है, बट इसमें कुछ भी नहीं था मुझे। हमारे जो इसरो का जो यूनिफॉर्म जो है, हमारा जो कॉस्ट्यूम रहता है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, वो ऑरेंज कलर का है, बट मेरे को मिला नहीं, तो ये एक्चुअली इस टाइप का जो नासा है वो लोग ऐसा पहनते हैं, बट मैं ऐसा ले आई और इसमें हमारे इंडिया का फ्लैग लगा दिया, यहाँ पे इसरो लिख दिया। इसरो का भी ये लोगो नहीं है, बट मुझे ना वो लोगो बनाना, मतलब मैं बना देती लेकिन एक्चुअली मेरे पास स्केच पेन अवेलेबल नहीं था, उससे थोड़ा अच्छे से बनता, क्रेयॉन्स ही अवेलेबल था, जैसे हो पाया मैंने बना दिया। तो मैं अपना काम ख़त्म करके और निकलती हूँ, उसको रेडी करती हूँ। ये हो गया है हमारा एस्ट्रोनॉट रेडी, लग रहा है ना अच्छा। बाकी जो मैंने दो लगाए थे वहाँ पे वो गिर गए। स्कूल को बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं, बलून्स बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। और ये है कॉम्पिटिशन्स के कुछ फ़ोटो, मैंने ये सब पिक्चर्स रिशु के टीचर के साथ भी इसलिए लगाई है ताकि लाइफ लॉन्ग उसे याद रहे उसकी प्राइमरी टीचर कौन थी। और ये उसका फ्रेंड के साथ एक फ़ोटो है और ये मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।